कि सर ये हार्ट का वॉल्व खराब होना क्या कहलाता है और ये किस किस चीज को दर्शाता है। पर हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं और चार चैम्बर को कंट्रोल करने के लिए चार वाल्व्स लगे होते हैं ताकि एक चैम्बर का ब्लड दूसरे चैम्बर में ना जाए, वो सीधा सप्लाई करे। तो कई बार ये वाल्व भी खराब हो जाते हैं। वाल्व खराब होने का तो मुख्य कारण जो है वो एजिंग है। एजिंग मतलब है कि उम्र के साथ खराब होते हैं। जैसे वैसा ही है, जैसे हमारे घर के दरवाजे भी कई सालों बाद लीक करने लगते हैं ना, ढीले पड़ जाते हैं, तो वैसे ही हार्ट के वाल्व भी ढीले होते हैं, तो उम्र कारण है। एक जो इंडियन पॉपुलेशन में वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, मतलब कुछ बीमारी है जिसके कारण वाल्व खराब होते हैं। और कई कई लोगों में बचपन से ही कुछ वाल्व लीक कर रहे होते हैं, या लीक कर जाते हैं या थोड़े से कम खुलते हैं, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इनको कैसे पहचाने? हार्ट की वाल्व में सीने में दर्द नहीं होता है। किसी के हार्ट की वाल्व से अगर लीक कर रहा है या हार्ट का वाल्व सिकुड़न है तो सीने में दर्द नहीं होता है, उसको चलने फिरने से सांस फूलेगा। ओके। यानी अगर उसे कहा जाए कि मैं तेज चल, वो नहीं चल पा रहा है। अगर उसका बाकी टेस्ट सब नॉर्मल आएंगे उसके, जब तक कि वो इको ना करा ले, या फिर कोई कार्डियोलॉजिस्ट उसके स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट के साउंड को सुने, हार्ट साउंड सुनेगा तो ही उसे पता चलेगा कि भाई हार्ट के वाल्व लीक कर रहे हैं या उसमें सिकुड़न है। तो इसका मैंने जैसे कारण बताया, इसका कारण है कि कई एजिंग प्रोसेस है, कंजेंटल है या कोई बीमारी की वजह से है। और इसको पता कैसे चलेगा? जब चलने से सांस फूले, इसका बड़ा कारण है। ठीक है सर। पैरों में सूजन आने लगती है, चलने से सांस फूलने लगती है, या लेटे लेटे भी सांस फूलने लगती है अगर ज्यादा वाल्व लीकेज हो जाए तो।